हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पीएस क्लासेस पर स्वागत है। मैं हूं अजय और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी सिर्फ वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है उससे नहीं पता कर सकते। हम ये देखेंगे कि मेटल्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि वो मेटल्स बहुत रिएक्टिव हैं? तो उन मेटल्स की हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा कर देखी और क्या देखा कि सोडियम या पोटाशियम जैसे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और इसीलिए उनको बचा कर रखने के लिए उनको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। और कुछ मेटल्स ऐसे भी थे जैसे गोल्ड और सिल्वर जो कि ऑक्सीजन से बिल्कुल भी रिएक्ट करते ही नहीं। तो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उससे पता कर सकते हैं। तो सिर्फ वो मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है उससे नहीं पता लगेगी उसकी रिएक्टिविटी, वो मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है और बाकी जो चीजें हैं जैसे वाटर, वाटर से वो मेटल कैसे रिएक्ट करता है और भी बाकी चीजों के साथ कैसे वो रिएक्ट करता है, तो सबके साथ रिएक्शंस करवा कर देखेंगे हम। हमने इससे पहले वाली दो या तीन वीडियोस में क्या चेक किया था कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, कौन सा फास्ट रिएक्ट करता है और कौन सा स्लो। अब हम बात करेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मेटल्स जो दूसरे मेटल्स हैं उनके सोल्ट सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पता लगे, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो हमने ऑक्सीजन के साथ मेटल्स को रिएक्ट करवा के देख लिया है। अब हम शुरू करेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वॉटर। कि मेटल्स जो है वॉटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। मेटल्स react with water to form metal oxides and hydrogen gas. मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस। तो इसको लिखते हैं मेटल्स प्लस वाटर, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ऑक्साइड्स जो बनते हैं, काफी मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो बने हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो हमने मेटल्स को पानी में डाला, मेटल ऑक्साइड बने और ये मेटल ऑक्साइड अगर पानी में सोल्यूबल है तो ये मेटल ऑक्साइड वापिस से वॉटर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो सम मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वॉटर। तो जो ये मेटल ऑक्साइड बना है मेटल और वाटर के रिएक्शन के साथ, तो जो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, कुछ मेटल ऑक्साइड्स, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स वाटर में
डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स सोल्यूबल होते हैं वाटर में. दे डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में घुल जाते हैं टू फॉर्म एल्कलीज, और फिर क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं. तो जो ये मेटल ऑक्साइड बना है ये क्या करेगा, ये वाटर में घुल जाएगा. मेटल ऑक्साइड्स जो बना है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, अल्कली, यानी कि मेटल हाइड्रो ऑक्साइड. तो इस तरह से मेटल्स जो है वाटर से रिएक्ट करते हैं. तो एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं. चलिए मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है सोडियम, तो सोडियम को हमने वाटर में डाला, तो पहले क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये मेटल ऑक्साइड है सोडियम का, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaOH. तो मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और कुछ मेटल ऑक्साइड्स पानी में फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. ये हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको, ठीक है, विजिबल है. तो इस तरह से मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ. अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ मेटल्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे. कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ हॉट वाटर के साथ करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से करेंगे ना ही हॉट वाटर से करेंगे, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे. और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर से बिल्कुल भी रिएक्शन ही नहीं करते, चाहे वो ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, या वो स्टीम हो. तो चलिए आज हम बात करते हैं सोडियम और पोटाशियम, ये दोनों वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो आपने नोट्स साथ साथ ही बनाने हैं, साथ साथ चीजों को नोट भी करना है, आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो. और मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 85% से ज्यादा स्कोर आप बहुत इजीली कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं. तो चलिए शुरू करते हैं आगे. सोडियम एंड पोटाशियम, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलीज. And the reaction is very violent. यहां cold water लिखेंगे specially. तो sodium और potassium cold water के साथ भी, देखिए जितना temperature ज्यादा होता है उतना रिएक्शन करना आसान होता है, लेकिन सोडियम और पोटाशियम इतने रिएक्टिव हैं कि वो कम टेम्परेचर में यानी कि ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, अल्कलीज. और जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही वायलेंट होती है, बहुत जल्दी होती है एंड हाईली एक्सोथर्मिक. हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब है जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी.
हाईली एक्सोथर्मिक है तो इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन में तो वो क्या करती है, स्टार्ट्स स्टार्ट्स द कंबशन ऑफ तो सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, अल्कलीज बनाएंगे, साथ में H2 गैस तो बनती बनती है, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस भी आएगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही पानी के साथ सोडियम को रिएक्ट करवाया गया, अल्कलीज बनी यानी कि NaOH बेस बना, साथ में हाइड्रोजन गैस बनी, उस हाइड्रोजन गैस को क्या होगा कि जितनी भी हीट निकली है वो सारी की सारी हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस जो बनी है वो जलने लगेगी, यानी कि जैसे ही सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाला गया हाइड्रोजन गैस बनी और हीट बनी, उस हीट ने हाइड्रोजन गैस को जलाना शुरू कर दिया, तो हमें क्या दिखाई देगा कि सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालते ही आग निकलना शुरू हो गई है, यानी कि सोडियम या पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो पानी में भी आग लगा सकते। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन स्टार्ट्स द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बचपन में हम क्या देखते थे, बचपन में मैंने एक जादू देखा था कि मैं गांव में रहता था और वहां पर कुछ बाबा वगैरह आते थे, वो अपना जादू दिखाते थे, तो वो हाथ में कुछ लेते थे और ऐसे पानी फेंकते थे और पानी में से आग निकलना शुरू हो जाती थी और आसपास के लोग सोचते थे वाह भाई क्या बाबा है, इसने तो पानी में भी आग लगा दी है। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे मैंने 10th क्लास प्लस 2 ये सब पढ़ा, तो मुझे धीरे धीरे आइडिया आने लगा कि बाबा लोग भी कितने साइंटिफिक हैं, कितना सोच समझ से काम करते हैं। वो एक्चुअल में क्या करते थे, सोडियम या पोटाशियम को पानी में फेंकते थे और उसी से ही आग निकलना शुरू हो जाती है। और अब आपको समझ भी आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब इसी चीज को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास था सोडियम, उसको डाला बॉटल में, बनेगा क्या NaOH। ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है, पता ना आपको कैसे होती है दो स्टेप में, पहले बनता है सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, फिर क्या होगा जो सोडियम ऑक्साइड बना है ये वाटर में सोल्यूबल होता है, तो ये बन जाएगा NaOH। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को, दोनों की दोनों रिएक्शन को एक ही स्टेप में लिखेंगे। कैसे, एक ही स्टेप में कैसे, हमने सोडियम और वाटर की रिएक्शन करवाई, बना कौन कौन, सोडियम ऑक्साइड, लेकिन सोडियम ऑक्साइड तो वापिस इससे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा NaOH, और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और साथ में बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये रिएक्शन हो गई सोडियम की वाटर के साथ, ऐसे ही पोटाशियम की वाटर के साथ रिएक्शन सेम, ये भी ऐसे कैसे होता है, KOH बनेगा, H2 बनेगा और बहुत सारी हीट भी निकलेगी, और ये हीट क्या करेगी, इस हाइड्रोजन गैस को जलाना शुरू कर देगी। तो इसलिए जो है जब भी सोडियम या पोटाशियम को वाटर में ऐड किया जाएगा तो आग निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलना शुरू हो जाती है। चलिए अब इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, राइट द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वॉटर, वॉटर के साथ सोडियम कैसे रिएक्शन करता है।
तो इसका आंसर क्या बनेगा, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पहले बनाएगा सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जो ये ऑक्साइड बना है उसके आसपास पानी बहुत सारा है, तो सोडियम ऑक्साइड जो बना है वो वाटर में आसानी से घुल जाता है और फाइनली क्या बना लेगा, NaOH। और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट भी निकलती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, राइट द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वॉटर। वॉटर के साथ पोटेशियम किस तरह से रिएक्ट करता है, तो अगर हम बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो आसानी से पानी में घुल जाएगा, तो वॉटर के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाएगा और बहुत सारी हीट निकलेगी। तो आई होप अब आपको पता लग गया कितने आसान आसान क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कैसे भी क्वेश्चंस बने आप उनके आंसर्स इजीली दे पाओगे। चलिए इस टॉपिक के ऊपर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। Why do we observe fire when sodium or potassium reacts with water? तो सवाल में ये पूछा गया है कि जब भी सोडियम या पोटाशियम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो फायर, आग क्यों दिखाई देती है आसपास। तो इसका आंसर आपको पता है, बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम और पोटाशियम, तो जो रिएक्शन है सोडियम या पोटाशियम की विद वॉटर वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारी हीट निकलती है, तो इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, हेंस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, जो हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में बनी थी स्टार्ट्स बर्निंग, वो जलना शुरू हो जाती है, स्टार्ट्स बर्निंग due to heat produced। तो जो हाइड्रोजन गैस बनी है रिएक्शन में वो हाइड्रोजन गैस जलना शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन होते ही बहुत सारी हीट भी निकली है। इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, K plus H2O KOH plus H2 और हीट, ये हीट क्या करेगी, इस हाइड्रोजन गैस को जलाना शुरू कर देगी। ऐसे ही Na plus H2O क्या होगा, NaOH plus H2 plus हीट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अगर आपको कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर देता हूँ, उस नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।